भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जैसे कछुआ चलता है और चलते चलते किसी प्रकार की आहट पाता है तो अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लेता है और स्थिर बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से योगी या ध्यान करने वाला जब अपनी इंद्रियों को सकोड़ लेगा, अंतःकरण को शून्य कर देगा, अंतःकरण कहते हैं मन बुद्धि चित्त अहं, जब तक तुम्हारे विचार होंगे तब तक तुम्हारे विचारों में संसार होगा, होगा कि नहीं? जब तक इंद्रियों के द्वारा कर्म होंगे वो कर्म सब संसार के होंगे। इंद्रियां और अंतःकरण के परे जब आप जाएंगे तो वहां तुरीय अवस्था होगी और परमात्मा का दर्शन दीदार होगा, उस प्रभु की कक्ष में पहुंच जाओगे। और ये कब पहुंचोगे? जब इंद्रियां और अंतःकरण शून्य होंगे, उसके पहले नहीं। तुम्हारी उंगलियां भी चल रही हैं, माला भी चल रही है और ओठ भी चल रहे हैं और जीभ भी चल रही है और तुम समझ रहे कि हम भजन कर रहे हैं। भजन कहते हैं, भजन का अर्थ है, भजन का अभिप्राय है कि भज न न भज भज न, यानी तुम्हारी इंद्रियां भागना बंद हो जाए, तुम्हारा अंतःकरण मन बुद्धि चित्त भागना बंद हो जाए। ये 14 जो है जब भागना बंद हो जाएंगे तब तुम्हारे भजन की शुरुआत होगी। है अरे वैसे तुम खूब जो है ओम निरंजन निरंकार शुभंग सतनाम आदि नाम पाताली नाम सिंधु नाम अदली नाम अल्लाह नाम पाक नाम खुदा नाम राम नाम कृष्ण नाम हिरियम नाम श्रीयम नाम क्रियम नाम सत सुकृत अभिगत कबीर नाम है निरे नाय निरे मंत्र। अगर मंत्र से ही काम हो जा तो एक मंत्र महात्मा पांच नाय दे तो है, दूसरे को पांच नाय दे और तीसरे अलग तरह के दे, चौथे और अलग तरह के दे, तो जब बताओ अलग अलग तरह के दे तो है परमात्मा एक है, है? जब परमात्मा एक है तो उसके नाम कितने होने चाहिए? एक होना चाहिए। नानक जी कहते हैं, नानक जी ने बताया, नानक जी कितने बड़े संत हुए, शायद पंजाब में हरियाणा में आप जाएंगे तो वहां नानक के ही गुरुद्वारे बने हैं, नानक का ही नाम चारों तरफ छाया हुआ है। नानक जी ने क्या बताया, क्या कहते हैं? एको एको सुमिरो नानका अरे जग थल रहो समान, स्मरण करो जो जल में थल में आकाश में हर जगह समाया हुआ है।
बदही मर जाए नानका जन्मे आरो मर जाए नानक जी कहते हैं एक और सुमिरो नानका। नानक जी कहते हैं एक जो परमात्मा है उसका जो एक नाम है जो जल में थल में अंदर बाहर हर जगह समाया हुआ है उसके नाम का स्मरण करो। दूजे का सुमिरिए जन्म सही मर जाए। नानक कहते हैं कि अगर कोई दूसरा नाम है तो परमेश्वर का नाम नहीं है। उससे तो वो आदमी जो दो नामों को जपता है, पांच नामों को जपता है, छह नामों को जपता है, इससे तो जब जन्म हुआ था तभी वो मर जाता तो अच्छा था। जब देखो भैया हमारी कोई बात ना है, ना कोई लोग यहाँ बैठे जो सोचे, हम सोचे तो हैं कि ये हमारी मारे कहा था, हम नानक जी की बात कहते हैं और तुम्हें अच्छी लगे तो मानो और ना अच्छी लगे तो हमारी ही छोड़ गई जब जाओ। दूजे काय सुमिरिए जन्मत ही मर जाए। कहते हैं नानक जी कहते हैं अब ये बताइए परमेश्वर है परमात्मा है एक है सर्वव्यापी है सर्वेश्वर है यहां है सारे देशों में व्याप्त है सारे प्राणियों के अंदर व्याप्त है। संत कहते हैं और संतों की बात सुनिए वो क्या कहते हैं कि एक नाम को जान के। देखो भैया खूब बड़ी गौर से सुनो और गौर से समझो। अगर आपने ये सत्संग की बात हो रही है ये बत्संग की बात नहीं है केवल सत्य के ज्ञान की बात है। और यही नहीं कि हम आप लोगों को केवल बता रहे हो किताबों की लिखी चौपाई दोहा, हम उसका प्रैक्टिकल भी कराएंगे। कल मैंने ये बताया था कि हर आदमी के अंदर तीसरी आंख है और वो तीसरी आंख खुल जाती है तो प्रभु का अंदर में दर्शन होता है। कल मैंने कहा था कि नहीं बोल जयकारा बोल मेरे शिव महाराज की जय। जो लोग जो है उस प्रभु को देखना चाहें कौन से प्रभु को जो प्रभु तुम्हारे मन में बसा है क्योंकि सबके प्रभु अलग अलग है, है? काऊ के प्रभु जो है भगवान कृष्ण है जगह के हमारी बिरादरी के भगवान है। काऊ के भगवान राम है कि हमारे के बिरादरी के है। काऊ के भगवान परशुराम है कि हमारी बिरादरी के भगवान है। लेकिन कोई कोई ऐसे भी होते हैं कि बिरादरी के ही भगवान से कोई मतलब नहीं है। संतों ने बताया है कि क्या के रही भावना जैसी। अब भैया क्या की बिरादरी भगवान ने अवतार न लो हो बेकार करे बेकार जाए है? अरे तुम्हारी जाति भगवान ने अवतार ले लो और तुम मर रहे हो गांव की जाति भगवान ने अवतार न लो कहां पे जाए कहां भजे तो फिरे। देखो भगवान की कोई जात नहीं होती है न संत की कोई जात होती है। ये जात जो है तुम्हारे दिमाग में है और न जात कोई परमात्मा के यहां से बन के आई है। परमात्मा के यहां से बन के आई है नहीं आई है यही बना ली है। केवल दो जातियां तो हम मानते हैं दो जातियां हैं वे बताए दें कि ना बताए। अच्छा न बताए अच्छा बताए दो जातियां हैं उनको मैं मानता हूं। एक जात ये बैठी एक जात भौर भाई बैठी एक नारी की जात है एक पुरुष की जात है। अलग मालूम पड़ती कि नहीं पहचान मालूम पड़ती कि नहीं। पुरुष की जात में जो है मूंछे जमती है दाढ़ी जमती जमत कि ना
और जेजाद में दाढ़ी मुंड है ही ना। पहले जबती ना कहूं एक आदमी के साथ रोंगटे निकल जाए कहूं का तरीका से तो बाकी स्वेच्छा करना पड़े। हमारे फरुखाबाद जिला में एक हमारी शिष्य है उसके मुछे जम जाती है तो हम उनके यहां तभी जाते हैं कि उनके पति का नाम ऋषिपाल है। वो ये कहते हैं गुरु जी हम आपका आपको बुला रहे हैं आप कल आ जाइए। तो क्यों बुला रहे हैं कि भाई जानते गुरु जी आएंगे तो हमारी बहू के मुंह से निकाली निकल आती है तो भी बनाए के तैयार तुम हो जाए। दूसरी जात कौन सी होती है? दूसरी जात होती है एक मांसाहारी जात होती है और एक शाकाहारी जात होती है। होती कि नहीं होती? तो ये जातियां होती हैं। संत कहते हैं क्या कहते हैं कि एक नाम को जान के केवल एक नाम की बात की है। एक नाम को जान के अरे दूजा दे है बहाना। संतों ने बताया है कि जाके रही भावना जैसी कैसी है जैसी पसंद करो प्रभु मोरी मूर्त देखी तिन तैसी। जिसके जैसी भावना होती है वो प्रभु की मूर्त को उसी स्वरूप में देखना चाहता है। कल मैंने बताया था मैं ये सोच रहा हूं कि कल जो है एक शिविर लगाना चाहता हूं उसमें जो भी लोग शिविर में सम्मिलित होना चाहें जो मांस न खाते हो शराब न पीते हो उनकी एंट्री है उसमें तो उनको मैं जिनके अंदर जैसी भावना है उसी भगवान का दर्शन कराऊंगा। जिंदा भगवान जो है आंखें अगर न खोले मामे तो तुम्हें कहियो तुम्हें ज्ञान खराब। आंखें खोल तो भाई बातचीत कर तो भाई बातचीत तब करे तुम उनसे बातचीत करे न बिने का परी बातचीत करो भगवान के पाए छुए और टटो की जब देखो ये पत्थर के है कि सांच माच और भगवान के दर्शन तुम्हें न हो किने नहीं होंगे होंगे जाके अंदर कमी हुए ताकि ना हो जब कमी ना हो भाई तो तुरंत ही दर्शन और कमी हुए तो धीरे धीरे हम कहा तो कर लेना है तो दो चार दिना में 15-20 दिना में महीना खाण में दर्शन जरूर हो न हो तो भाई नहीं पिछे बचेंगे बचेंगे नहीं महाराज की जय। जिसे अगर भगवान से मिलने की शौक है तो वो अपना नाम आज जो है हमारे हारमोनियम वादक के पास जो है आरती के बाद लिखा दे कि मैं उस नाम को जानना चाहता हूं जो एक ही नाम उस परमेश्वर का है और जो नाम किसी आदमी का बनाया हुआ नहीं है। जिस राम नाम के बारे में हमारी रामायण हमारा गीता कुरान बाइबल सारे संत कबीर तुलसी ये कहते हैं प्रमाण देते हैं वो नाम जानिए अपने अंदर में स्मरण करिए और लाभ उठाइए भगवान का दर्शन करिए। अब बता जाते और बड़ी कोई भराव नहीं है ना है। अरे मजे का और भरावनी जो है अगर जो है 10 आदमी ज्ञान ले अगर आधे से ज्यादा लोगों को
न हो। अरे भैया ये जनरेटर कौन चलन दे तो हमें इतने बड़े पहलवान तो ना है, हमें ही पकड़ ले निकट तब क्यों आए निकट निकले। अगर कहूं छिड़िया माए रत्ता माए दुख के छिप के और फिर हमारी काट फाड़ी कार तो सड़क बन गए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि ज्ञान है सो जह देह जनाई। कौन जानेगा जिसे कोई जनाएगा। ज्ञान है सो जह देह जनाई, जिसे कोई जना देगा। कौन जना देगा, जो सच्चा मुर्शिद है, जो सच्चा सदगुरु है, वही जना सकता है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। क्या होगा, कहते हैं कि जानत, जब तुम जान लोगे फिर क्या होगा, जानत तुम ही हो जाई। कैसे, तुलसीदास जी कहते हैं कि जानते ही तुम्हें हो जाई, तुम्हारे भीतर हो गए। जैसे बाल बच्चा हो जाए पेट में, ऐसे ही तुम्हारे अंदर में वह प्रभु जो है हो जाएगा और तुम्हें दिखाई देगा, दर्शन देगा। प्रेमी भक्तों, इसलिए उस सत्य को जानो, उस सच्चे नाम को जानो। जब तक सत्य को सत्य नाम को नहीं जानोगे, जो एक नाम है, संतों ने बताया है, अभी मैं पीछे बता रहा था, क्या बता रहा था कि एक नाम को जान के अरे दूजा देह पाए। Thank you.
मेरे भगवत बंधु, हमारी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? अच्छा, न ताजा कहीं शायद हमारी भाषा में कुछ अंतर हो गए, आपकी भाषा में अंतर हो गए, लेकिन हम का तो अपनी अपनी भाषा कहते हैं। आनंद कब आता है? जब एक दूसरे की भाषा लोग समझते हैं। आता कि नहीं? और हम अंग्रेजी भी ज्यादा बोले और अंग्रेजी तुम्हारी समझ में ना आए, बट टू बाई इनर्जी आर टूगेदर वेरी हैप्पी फॉर सम टाइम इट इज वेरी मेंट। कब समझ में आई? एक आदमी भी समझ में आ सके तो भाषा कहते हैं। भगवान शंकर जो है पार्वती से कहते हैं, क्या कहते हैं? कि खग जान है